मेरे तमाम देखने और सुनने वाले मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अदील फैयाजी। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बानी तहरीक फ़रोग इस्लाम हज़रत अल्लामा क़बर गनी उस्मानी साहिब क़बला के हवाले से। आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए, मैंने हज़रत का नूरानी चेहरा आपके सामने लगा दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इस वक्त में हजरत अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहिब क़िबला अहमदाबाद की जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, कई महीने हो चुके हैं हजरत को और हजरत जेल की सलाखों के पीछे अभी भी हैं। दोस्तों, हजरत के हवाले से एक छोटा सा अपडेट निकलकर सामने आया है। दोस्तों, जब भी कोई छोटे से छोटा अपडेट होता है, बड़े से बड़ा अपडेट होता है, मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं आप लोगों तक हर अपडेट पहुँचा दूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी मुझे इस वक्त में जो है अपनी इतनी मोहब्बतों के साथ नवाज रहे हैं, इतनी मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, इसी तरीके से अपनी मोहब्बतों के साथ मुझे नवाजते रहिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हजरत अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहिब क़िबला की जो है 23 जून को अहमदाबाद गुजरात के हाई कोर्ट में पेशी है। याद रखिएगा, 23 जून 2022 को हजरत अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहिब क़िबला की हाई कोर्ट अहमदाबाद गुजरात में जो है पेशी होनी है और वहीं पर समाअत होगी, हजरत की सुनवाई वहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आप तमाम ही लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी नमाजों में, बिलखसूस दुआओं में ज़रूर हजरत को याद रखें और ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहिब क़िबला को जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमाए और हज़रत जो है बहुत जल्द इज़्ज़त के साथ वहाँ से तशरीफ़ लाएँ और जो है हमारे दरमियान हज़रत अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहिब क़िबला जलवा फरमा हो और अपने अहलो अयाल से अच्छे तरीके से मुलाकात करें। दोस्ताने मोहतरम, आप जानते होंगे हज़रत अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहिब क़िबला की ज़ात मोहताज तारुफ बिल्कुल भी नहीं है। मोहताज तारुफ हजरत की ज़ात बिल्कुल भी नहीं है, पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुन्नियत हजरत अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहिब क़िबला को जानती है, पहचानती है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जिस वक्त में जो है त्रिपुरा के अंदर जो वबाल हुआ था, उस वक्त में वहाँ पर जो मस्जिदों के ऊपर जुल्म किए गए थे, मुसलमानों के ऊपर जो वहाँ पर जुल्म किए गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर सबसे पहले अगर कोई पहुँचा था तो वो हज़रत अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहिब क़िबला अपने हमनवाओं के साथ वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ के लोगों की मदद की थी और वहाँ पर जो मज़लूमीन थे उनकी मदद की थी, खैरख्वाही की थी, उनके हालचाल पूछे थे, उनके लिए तमाम जो ज़रूरियात की चीज़ें थी उसको मुहैया कराया गया था। दोस्ताने मोहतरम, हजरत अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहिब क़िबला के लिए आप जरूर दुआ करें कि अल्लाह पाक हजरत को इज्जत के साथ रिहाई अता फरमाए और हजरत वहां से जल्द अज जल्द छूट जाएं। दोस्ताने मोहतरम, याद रखिएगा 23 जून को हाई कोर्ट अहमदाबाद गुजरात के अंदर हजरत अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहिब क़िबला की सुनवाई होनी है। बस आप लोगों से मैं यही गुजारिश करने आया था, ये छोटा सा अपडेट था, मुझे आप तक पहुंचाना था और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ताला आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दुआ करेंगे और नमाजों में भी दुआ करेंगे और अपने तमाम जो भी नेक दुआएँ होंगी इंशाल्लाह तबारक व ताला उन दुआओं में हज़रत अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहिब क़िबला को ज़रूर याद रखेंगे। तो दुआ कीजिए कि जितने भी उलमा इकराम, जितने भी मशायख, जितने भी पीरान तरीक़त इस वक्त में नामूस रिसालत के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला तमाम के जो है दराजात को बुलंदोबाला फरमाए और सबके मरातब में बरकत अता फरमाए और सबको जो है बेहतर से बेहतर जजा अता फरमाए, सबका साया हम सबके सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही कहने आया था। फिलहाल मिलता हूँ किसी एक नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाहि तआला व रसूलिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।